नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। ये जो सरकारी कंपनी था उसका नाश किया, सीरिया नाश किया नहीं, उसका नाश। आपकी सरकार बनी तो देश में खुशियां लौट आई थी। गरीबों के बारे में आप सोचेंगे? आप गरीबों के बारे में नहीं सोचे, सिर्फ सोचे ग्रामीण। कहां थे निजी कंपनियों में काम करने वाले जो काम कर रहे थे गुजरात में, बॉम्बे में, सूरत में, हाथ उठा दिया कि तनख्वाह मेरे पास नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, देश का 130 करोड़ जनता जानना चाहता है, कहां है अमित शाह? गजब है कि मेरे पास सैलरी नहीं है। लाचार, मजबूर और मजदूर देश के कोने कोने महीना, एक महीना, डेढ़ महीना इंतजार किया। जब भुखमरी के कागार पर आ गया तो सुरक्षा में जो लगाए गए होते, किसी के घुटने के बगल उस मजदूर को चला दिए, किसी ने झोला फाड़ करके उसको। अगर ये उनकी सोच बदली नहीं और प्रधानमंत्री जी, 130 करोड़ गरीबी दूर हो जाएगा, कोई मजबूर लाचार नहीं रहेगा। लेकिन आप माया शंकर तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन। तिवारी जी, क्या मामला है जो आज इकट्ठा होना पड़ा लॉकडाउन के बाद? मामला ऐसा है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर पूरे देश के बिजली का निजीकरण करना चाहते हैं, और निजीकरण करने से पूरे प्रदेश का और देश का मध्यम उद्योग, LMB1 मतलब उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता, किसान उपभोक्ता, गरीब जो हमारे उपभोक्ता हैं, सबकी बिजली महंगी हो जाएगी। और दूसरी बात कि जो भी इस उद्योग में काम करने वाले हैं वो सब बाहर निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि जब उद्योग सरकारी नहीं रहेगा तो जो भी निजी क्षेत्र से आएगा वो अपने शर्तों पर लोग रखना चाहेगा, कर्मचारियों को, अधिकारियों को। तो आज जिन शर्तों पर वो नौकरी कायम किए थे, जो 15 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, और उन शर्तों को ख़त्म करके वो कहेंगे कि आप गुलामी की तरह से हमारे नौकरी करिए, नौकरी नहीं करेंगे। तो इससे दो नुकसान है, एक तो भारत की जनता का नुकसान है, दूसरा नुकसान जो इस उद्योग में काम करने वाले हैं उनका है। इसलिए देश हित में, प्रदेश हित में पहला, और उसके बाद कर्मचारी अपने हित में इस आंदोलन को चला रहे हैं। इस आंदोलन को हम जनता के सहयोग से भी चलाएंगे, जिसमें क्षेत्र के सारे ग्राम प्रधान, BTC, सभासद, MP, MLA, मिनिस्टर, सबसे हम सहयोग लेंगे, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है। किसान हो जाएगा तो 6,000-7,000 महीना हो जाएगा, जो घरेलू बिजली आज 5 रुपया 5.5 रुपया है वो 12 रुपया हो जाएगी, और जो उद्योगों की बिजली जो आज 12 रुपया 13 रुपया है वो घट करके 10 रुपया हो जाएगी। तो इस निजीकरण से पूरे देश को इतना नुकसान होने वाला है किसी कल्पना नहीं कर सकते हैं। पहले इस हिंदुस्तान में प्रजा जो नागरिक है उसकी 3 स्थितियाँ, जब अंग्रेजों का राज आया तो यहाँ पर जनता गुलाम हो गई, जब देश 1947 में स्वतंत्र हुआ तो यहाँ का जनता नागरिक हुआ, और नागरिक को संविधान के तहत ये अधिकार मिला कि हम सरकार से आंख में आंख मिला करके हम पूछ सकें कि हमारा ये अधिकार है, ये हमको मिलना चाहिए। लेकिन फिर ये निजी क्षेत्र को बिजली दे करके, रेलवे दे करके, एयरलाइंस दे करके, भारत पेट्रोलियम दे करके, जैसे आज के तारीख में डीजल और पेट्रोल का रेट रोज बढ़ रहा है, पूछने पर कहते हैं कि वो कंपनियों का अधिकार है। अभी जो रेलवे निजी क्षेत्र को दिए हैं उनमें भाड़ा तय करने का उसको अधिकार दे दिया है। जो अमेंडमेंट 2000 बिल
2020 बिल लेके आ रहे हैं उसमें ये केवल केंद्र में वो नियामक आयोग बनेगा और सारे स्टेट के आदेश मतलब अभी के लिए काम कर रहे हैं और यहाँ के जनता को गुलाम बनाने का प्रयास भारत सरकार और जितने भी भाजपा शासित प्रदेश है, हम ये कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी भाजपा शासित गवर्नमेंट नहीं है वहाँ के सारे मुख्यमंत्रियों ने इनको पत्र लिखा है, ऊर्जा मंत्री भारत सरकार को और प्रधानमंत्री को, इस पर इनको क्यों नहीं है सार्वजनिक चर्चा हिंदुस्तान स्तर पर कर रहे हैं कि इस प्राइवेट करने से हिंदुस्तान का लाभ होगा कि नुकसान होगा, इससे जनता का लाभ होगा कि नुकसान होगा, आज जो किसानों को गरीबों को घरेलू, इसलिए हम लोग पूरे विद्युत अधिकारी कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी हैं सब लोग मिल करके हम लोग विद्युत मित्र बन करके उपभोक्ताओं के बीच में जाएंगे, उनसे बात करेंगे और सबका साथ लेकर के इस सरकार को समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे।